हेलो स्टूडेंट, टर्म वन की डेट शीट कभी भी आ सकती है और काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि टर्म वन के लिए पासिंग मार्क्स क्या है। तो टोटल 40 मार्क्स का है, उस हिसाब से जो पासिंग मार्क्स है वो 13 मार्क्स है। अगर कोई भी स्टूडेंट 13 मार्क्स लेके आता है तो वो पास माना जाएगा, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें बच्चे जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में एक कन्फ्यूजन रहता है और थोड़ा रिस्क भी रहता है कि अगर बाय चांस थोड़ा सा भी गलत सॉल्विंग हो गया या गलत टिक कर दिया या गलत बबल फिल कर दिया और जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। पहले क्या था, सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव में ये था कि पूरा सॉल्व कर दिया तो टीचर कुछ ना कुछ तो स्टेप मार्किंग देगा, कुछ ना कुछ तो उसमें लिखा होगा, कुछ ना कुछ सही तो लिखा होगा, उसके हिसाब से कुछ मार्क्स देगा। यानी टीचर बच्चे के बारे में कुछ तो समझेगा कैसा है। ओएमआर सीट से कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है। ओएमआर सीट में क्या होगा, या तो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने जो सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे पेपर में उतना अच्छा कर सकते हो। और जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हैं, अपनी कोचिंग सेंटर में हैं, स्कूल में हैं, प्री बोर्ड हैं, इन एग्ज़ाम को दो जिससे प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी और स्कूल में जो है वो ओएमआर सीट को फिल करने में उतनी ईजीनेस होगी। वैसे एक अपॉर्चुनिटी सीबीएसई ने अपनी तरफ से दिया है, चार ऑप्शन के अलावा एक अलग से कॉलम दिया है। अगर किसी ने बी को फिल किया और उसे लग रहा है गलत है, लास्ट में वो करेक्ट करना चाहता है, तो सी को फिल करके और जो फिफ्थ वाला जो कॉलम है उसमें सी लिख देना, जिससे जो लास्ट में फिफ्थ वाले में फिल करोगे वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये है कि सीबीएसई ने अपनी तरफ से राहत दी है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आएगा। लेकिन हाँ, तैयारी अच्छी करो। सब लोग पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी जो मार्कशीट बच्चों को मिलेगी उस पर कुछ पास या फेल नहीं लिखा होगा। ये मार्कशीट प्लस टर्म टू की जो मार्कशीट होगी, दोनों मार्कशीट को मिला दें, दोनों मार्कशीट से जो रिजल्ट बनेगा वो फाइनल मार्कशीट होगी। इस जो टर्म वन का एग्ज़ाम है इसमें बच्चों के पास मौका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।